अगर आप कहेंगे ना बालों के लिए कोई ऐसा DIY या रेमेडी बताइए ना जो लगभग हर प्रॉब्लम का सलूशन हो, तो आज की ये रेमेडी बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। मतलब डेंड्रफ है, हेयर थिनिंग है, हेयर फॉलिंग एक्सेसिव हो रही है, या बाल्डनेस हो गया है, पैचेस हो गए हैं बालों पर, सबके लिए ये एक रेमेडी बहुत काम करेगी। अगर एक्सेसिव है ना तो इसको एज ए स्प्रे यूज़ करना है, और अगर नॉर्मल टेंडेंसी है हेयर फॉलिंग की तो आप एज अ हेयर मास्क इसको यूज़ कर लीजिए। पूरे विश्वास से करिएगा, हफ्ते में एक बार यानी मंथ में चार बार आपको इसको अप्लाई करना है। इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बाकी कॉम्बिंग, मसाजिंग और न्यूट्रिएंट का ध्यान तो रखना ही है। तो पहला इंग्रेडिएंट है इसके लिए वाटर, जो कि बहुत ही बेसिक बात है, एज ए स्प्रे भी हम यूज़ करने वाले हैं। सो वाटर लेना है आपको 1 से 1.5 कप, क्योंकि स्कैल्प पे मसाज करना है, फिर पूरे बालों पर। और उसके बाद पहला इंग्रेडिएंट होगा हमारा फ्लैक्स सीड। सो बालों को जल्दी लंबा करना हो, घना करना हो, तो फ्लैक्स सीड से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन बी और ई फुल ऑफ कॉपर है। इसमें जो हाइड्रेटिंग जो इसमें क्वालिटी होती है ना, उससे बाल पूरे नरिश्ड दिखते हैं, और साथ में विटामिन ई होता है जो स्कैल्प को नरिश करता है, रेडिकल डैमेज को भी ये कम करता है। दूसरा इन्ग्रीडियंट है हमारा फेन्युग्रीक, यानी कि मेथी, जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है। ये स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है और इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, विटामिन ए सी के, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, बहुत ही रिच होता है, बहुत ही पोटेंट होता है, तो ये भी हमको ऐड करना है। साथ में ऐड करना है अनियन के मैजिकल इफेक्ट तो आप जानते ही, और साथ में गार्लिक के भी, ये आपके जो हेयर फॉल हो चुके हैं ना सीवियर, उनको वापस ले आएगा, बाकी और जो हेयर हैं आपके सर पे बचे उनको प्रमोट करेगा, उनकी हेल्थ को। मध्यम आँच पे ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के आपको कुछ देर तक पकाना है, मतलब आपको खुद समझ में आ जाएगा जब पूरा पानी एक जेली की तरह हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, और साथ में आप थोड़े सा मेथी दाना या फ्लैक्स सीड उठा के ऐसे टच भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो 5 से 10 मिनट इसको बॉयल करने के बाद ठंडा करेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा थिक कंसिस्टेंसी वाला जो पैक है ना, इसको हम ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिक्सचर हम ग्राइंड करके पैक बनाकर अपने बालों पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये मैंने डाला मिक्सचर में और उसको ग्राइंड करूँगी, और उसके ग्राइंड करने के बाद आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा दही या फिर एलोवेरा या लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक कर लीजिए, या चाहें तो तीनों भी कर सकते हैं। सो नाउ इट्स डन, ये हमारा थिक सा हेयर पैक, मैजिकल हेयर मास्क, कुछ भी बोलिए ना, तैयार है आपके बालों की कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जब भी बालों पर ऐसे मास्क या पैक्स लगाते हैं तो बालों की सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, मतलब गंदे बालों पर आपको ये एप्लीकेशन नहीं करना है। साथ में बालों को कोम कर लीजिएगा, या उंगलियों से भी ऐसे सुलझा सकते हैं। उलझे बालों पर अगर आप लगाएंगे आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। साथ में दूसरा ध्यान ये देना है कि जिसको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है वो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर ऐसे मास्क का यूज़ करें, क्योंकि देखिए मास्क में बालों पर उलझते हैं। अगर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ना, और छूते ही अगर आपके बाल टूटते हैं, तो इन मास्क को पहले मेडिसिन लेने के बाद जब थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तभी अप्लाई करें। और उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा सा कच्चे दूध से, पानी से या कॉफ़ी वाटर लेकर आप पूरे बालों को डैप कर लें, अच्छी तरह से गीला कर लें, उसके बाद ये मास्क को लगाएं। स्कैल्प पे तो लगाना ही है आपको, साथ में पूरी लेंथ पे इसका एप्लीकेशन करेंगे ना तो काफ़ी कमाल का रिजल्ट मिलेगा। सो इस तरह से लगाने के बाद हल्का सा मसाज करना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। देखिए मसाजिंग तो ऐसे भी अच्छी होती है बालों की, अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो कंघी से भी या फिंगर टिप से भी हल्की हल्की मसाज कर लें, और ऐसे तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मास्क लगाते समय थोड़ा सा अगर आप मसाज कर लेते हैं तो बालों की हेल्थ उससे भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे मसाज करते हुए पूरे को लगाएं ताकि अंदर तक, बालों में अंदर तक, स्कैल्प तक ये पूरा मास्क जाए। उसके बाद इस तरह से टाई अप कर लीजिए और फिर लगा दीजिए कोई पॉलीथीन बैग या शावर कैप, कुछ भी लगा दीजिए, जिससे थोड़ा सा ये अंदर ही अंदर गीले रहते हैं। बिल्कुल ड्राई नहीं करना, कोशिश करनी है कि 20 से 30 मिनट ही इसको रखा जाए। उससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं ना तो हेयर फॉल बढ़ सकता है, और जिनको ऑलरेडी सीवियर हेयर फॉल है वो केवल इसका स्प्रे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोई भी ऐसे एप्लीकेशन करें तो टॉल में ही बालों को ड्राई करें कम्प्लीटली, काफ़ी अच्छे से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। फाइनल रिजल्ट, वो भी मैंने शैम्पू नहीं किया है, केवल कंडीशनर लगाया है और सिरम लगाया है, तो काफ़ी अच्छी बाल
बालों की कंडीशन लग रही है, एक से दो बार में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले। और हाँ, खाने पीने का तो ख्याल रखना ही है। बायोटिन शेक मैंने ऑलरेडी बता रखा है और चीज़ें व्हाट आई ईट इन अ डे में दिखाती रहती हूँ, एक बार जरूर गौर करिएगा। चलिए अब आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इसको कब तक कंटिन्यू करना है। सो भाई 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक आपको इसको कंटिन्यूटी के साथ करना है। पहले मंथ में तो आपको केवल ये पता चलता है कि ये DIY या मास्क जो है आपको सूट कर रहा है कि नहीं। अगर सूट कर जाता है तो 3 मंथ तक करते रहिए। तो क्या ये सूट नहीं भी कर सकता है? नेचुरल इन्ग्रीडियंट DIY या होम रेमेडीज़ आपको फ़ायदा भले ना करें लेकिन नुकसान नहीं करते हैं, इसलिए निश्चिंत होकर इसको कंटिन्यूटी के साथ आप कर सकते हैं। क्या इसके बाद मैं शैम्पू अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी माइल्ड या हर्बल शैम्पू आप अप्लाई कर सकते हैं। सीरम कंडीशनर आपकी चॉइस है, अगर लगाते हैं तो लगा लीजिएगा। और आपका क्वेश्चन हो सकता है क्या मैं इसके बाद ऑयलिंग कर सकता हूँ? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चिंत होकर करिए। मास्क को पहले से धुल लीजिए, फिर ऑयल अप्लाई करके रात भर छोड़ दीजिए, फिर सुबह इसको माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दीजिए, रिजल्ट और भी अमेजिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मुझे अनियन या गार्लिक सूट नहीं करता है, तो नहीं करता है तो स्किप कर दीजिए। ये अच्छी बात है ना कि आपको पहले से ही पता है क्या चीज़ नहीं सूट करती और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो पैच टेस्ट करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि देखिए इन्ग्रीडियंट नेचुरली है बट हैं तो इन्ग्रीडियंट, उनका फ़ायदा होता है तो नुकसान भी ऑब्वियस है कि होता होगा। नुकसान इतना मेजर नहीं होता है पहली बार में ही, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो सकता है अगर कोई इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है, स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से स्किप कर दीजिए। बट कोशिश कीजिए कि हर इंग्रेडिएंट जो भी बताई गई है ना, क्योंकि देखिए ये एक मास्क ऐसा है जिसमें सारी चीज़ों को टारगेट किया गया है, तो अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे तो लगभग हर प्रॉब्लम को ये टारगेट कर पाएगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगता है। ठीक है, आई होप कि मैंने सारे आंसर कर दिए हैं आपको। फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, लोग वीडियो से ज़्यादा कमेंट्स को पढ़ते हैं आपके और फिर उनको पता चलता है कि वाकई ये DIY या रेमेडी काम करती है। अब तक आपने जितना सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल, और आगे भी ऐसे हमारा साथ बना रहेगा। और ज़रूर कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, आज की रेमेडी कैसी लगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, पूछ लीजिएगा। दिस इज़ योर कम्युनिटी, दिस इज़ योर चैनल, थिंग इज़ केयरिंग। तो अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड करता है, आपके बालों में जान फूंक देगा, तो अपने साथ साथ ना अपनों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात होती है ना शेयर करना। तो जैसे मैं शेयर कर रही हूँ, आप भी शेयर करिए और हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी। इससे हमें न जाने कितने लोग परेशान होंगे, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में होगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ विद अ पार्ट ऑफ अवर ग्लोइंग एंड ग्रोइंग फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।